बड़े भाई से मुझको दुख पहुंचा जब मीडिया के एक बंधु ने उनसे कल सवाल किया। मीडिया के बंधु ने सवाल किया कि उपेंद्र कुशवाहा के बारे में सीट शेयरिंग का जो मामला चल रहा है, आपकी बात हुई है क्या उपेंद्र कुशवाहा जी से? बड़े भाई नीतीश कुमार जी ने कहा, मैं दुखी मन से कहना चाहता हूँ आपसे। उन्होंने कहा कि इतना नीचे स्तर पर मत ले जाइए आदरणीय नीतीश कुमार जी। बड़े भाई नीतीश कुमार जी, जब एक ही परिवार से आप और हम हैं लव कुश, तो उपेंद्र कुशवाहा नीच कैसे हो गया? उपेंद्र कुशवाहा नीच कुश, हम मानते हैं हम एक परिवार के लोग हैं, हम भाई हैं, आपको बड़े भाई मानते हैं, और आप कहते हैं उपेंद्र कुशवाहा नीच है। उपेंद्र कुशवाहा नीच है कि नहीं है, बिहार की जनता फैसला करेगी। लेकिन मुझको याद है क्यों नीतीश कुमार जी मुझको नीच कहते हैं। मैं पूछना चाहता हूं इस मंच से, बड़े भाई नीतीश कुमार जी, उपेंद्र कुशवाहा इसलिए नीच है कि उपेंद्र कुशवाहा दलित पिछड़ा और गरीब घर के नौजवान को सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जज बनाना चाहता है, इसलिए नीच है? हम पिछड़ा अति पिछड़ा की बातों को, उसके हितों को उठा रहे हैं, इसलिए नीच है उपेंद्र कुशवाहा? सामाजिक न्याय की बात हम करते हैं, इसलिए नीच है उपेंद्र कुशवाहा? गरीब घर के बच्चे कैसे पढ़े, इसके लिए शिक्षा को लेकर अभियान चलाता है उपेंद्र कुशवाहा, इसके लिए नीच है उपेंद्र कुशवाहा? शिक्षा में जब तक सुधार नहीं होगा, तब तक गरीब घर का बच्चा जज भी नहीं बन पाएगा, एसपी कलेक्टर भी नहीं बन पाएगा। आज क्या है सुबह में शिक्षा की स्थिति? आज जो जहां गरीब घर के बच्चे पढ़ते हैं, दलित पिछड़ाती पिछड़ा परिवार के बच्चे पढ़ते हैं, उन सरकारी विद्यालयों में पढ़ाई लिखाई नाम की कोई चीज नहीं है। इसके लिए आवाज उठाने का काम करता है उपेंद्र कुशवाहा? इसके लिए नीच है उपेंद्र कुशवाहा? आदरणीय नीतीश कुमार जी, हम जानना चाहते हैं कैसे नीच हो गया उपेंद्र कुशवाहा, जब लव कुश एक ही परिवार का दोनों है, तो बड़ा भाई ऊंचा और छोटा भाई नीचे कैसे हो गया, हम आपसे जानना चाहते हैं। आदरणीय नीतीश कुमार जी, मुझको याद है जब पिछले लोकसभा चुनाव के बाद या एक सभा हुई थी मुजफ्फरपुर में, जिसमें हमारे प्रधानमंत्री जी आए थे लोकसभा चुनाव के बाद, विधानसभा चुनाव के संभव का पहले, जिसमें हमारे प्रधानमंत्री जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी आए थे, और प्रधानमंत्री जी ने किसी दूसरे संदर्भ में कहा, दूसरे संदर्भ में कहा डीएनए की बात। आप लोगों को याद होगा, बिहार की जनता को याद होगा, देश की जनता को भी याद होगा, हमारे प्रधानमंत्री जी ने किसी और संदर्भ में कहा था, लेकिन नीतीश कुमार जी ने अपने ऊपर लिया और तमाम उनकी पार्टी के लोगों से उन्होंने कहा कि बाल काट कर नाखून काट कर दिल्ली भिजवाइए, हमारा डीएनए कैसा है इसकी रिपोर्ट हम वहां से मंगवाना चाहते हैं। हजारों साथियों ने, जनता दल के पुराने मित्र, मेरे मित्र साथियों ने, नीतीश कुमार जी के आह्वान पर, पता नहीं नीतीश जी ने अपना बाल और नाखून दिया था कि नहीं मुझको नहीं मालूम, लेकिन बिहार की जनता को मालूम है, देश की जनता को मालूम है, बाल और नाखून काट कर हजारों लोगों ने दिल्ली भिजवाने का काम किया था। हम लोग तो आज भी इंतजार में हैं कि उस डीएनए की रिपोर्ट आई कि नहीं आई, और आई तो क्या उसमें लिखा हुआ है, आई तो क्या उसमें लिखा हुआ है, हम जानना चाहते हैं। हम सम्मान से जीने वाले लोग हैं। आदरणीय बड़े भाई, अगर आपके डीएन पर आपने समझा कि प्रश्न चिन्ह लगा, तो रिपोर्ट कहाँ गई? आपको भले जरूरत हो चाहे नहीं हो, लेकिन बिहार की जनता आपसे जानना चाहती है कि उस डीएनए की रिपोर्ट क्या है, आई कि नहीं आई, आई तो क्या रिपोर्ट है, जरा बताने का काम कीजिएगा। मित्रों, मैं आपके माध्यम से आदरणीय नीतीश जी से पूछना चाहता हूँ, उपेंद्र कुशवाहा को आपने नीच कहा, जरा डीएनए की रिपोर्ट बता दीजिए, क्या रिपोर्ट आई, जरा बताने का काम कीजिए। उपेंद्र कुशवाहा सम्मान के साथ राजनीति करता है, उपेंद्र कुशवाहा सम्मान के लिए राजनीति करता है, उपेंद्र कुशवाहा जनता के सम्मान के लिए राजनीति करता है। लाख विपरीत परिस्थिति में रहकर भी उपेंद्र कुशवाहा ने हमेशा जनता के सवालों को उठाने का काम किया है, हम आज भी उठाने का काम कर रहे हैं, चाहे न्यायपालिका में आपके अधिकार को लेकर हो, शिक्षा में आपके अधिकारों को लेकर हो, निरंतर हमने काम किया है।
है राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के लोगों और यहाँ दूसरे दल के लोग भी आए हुए हैं, मैं सब लोगों से कहना चाहता हूँ कि आइए, हमारी पार्टी बिहार में कुछ नया करके दिखाना चाहती है। हम दूसरे लोगों की तरह सिर्फ भाषण में विश्वास नहीं करते, इधर उधर की बात पर विश्वास नहीं करते, इसलिए हम शिक्षा के सवाल को भी उठाते हैं जो मौलिक सवाल है, इसलिए गरीबों के अधिकार को भी के सवाल को भी उठाते हैं, न्यायपालिका में कैसे आपके बच्चे जज बने ताकि आपको न्याय मिले, इसका भी सवाल उठाने का काम करते हैं। तो आइए, आप सब लोगों से मैं आग्रह करना चाहता हूँ, चाहे जिस जात के लोग हों, जिस धर्म के लोग हों, सभी लोगों से मेरी अपील है, मेरा आग्रह है कि सब लोग साथ दीजिए, सहयोग कीजिए, हमारी पार्टी को ताकत देने का काम कीजिए। हम जिसको छेड़ते हैं, हम एक तो छेड़ने का नाम काम नहीं करते, लेकिन जिसको छेड़ते हैं उसको छोड़ने का काम भी नहीं करते। तो हमने छेड़ा है, शिक्षा की लड़ाई को छेड़ने का काम किया है, न्यायपालिका में जजों की बहाली की लड़ाई को छेड़ने का काम किया है, तो इसको परिणति तक पहुंचाने का भी काम करेंगे। तो आप सब लोग आइए, सहयोग कीजिए, यही निवेदन करने के लिए मैंने आप सब लोगों को कष्ट दिया था। आप सब लोग आए, इतनी बड़ी संख्या में विभिन्न जिलों से आए, मैं आप सभी का हृदय से आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और विशेष रूप से मुजफ्फरपुर के साथी और हमारे बड़े भाई आदरणीय श्री दसई चौधरी जी ने यहाँ कार्यक्रम मजबूती के साथ लगकर इतनी मेहनत से, चाहे दसाई भाई जी हों, पंकज मिश्रा जी हों, मदन चौधरी जी हों, प्रभु जी हों, या सब लोग हैं मुजफ्फरपुर के, सभी लोग हैं, सब लोग मिलकर, दूसरे जिला के भी जो सब लोग हैं, सब लोगों ने मिलकर इस कार्यक्रम को इतना अच्छा बनाया, इसके लिए आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद।